अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास एक ये वाला गाड़ी आया है। ये है आपका महिंद्रा ट्रियो मॉडल गाड़ी है, पैसेंजर गाड़ी। तो ये गाड़ी का प्रॉब्लम है कि ये गाड़ी जब चल रहा था तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था। तो गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करके देखेंगे गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए फ्रेंड्स, गाड़ी में कैसा प्रॉब्लम आ रहा है आप लोग देख ही पा रहे हो। तो आज यही गाड़ी को ठीक करेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है देखेंगे। तो फ्रेंड, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास ही आए। तो फ्रेंड्स, पहले इसका चक्का को खोल के देख लेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए, बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है और साउंड पूरा डिफरेंशियल के अंदर से ही आ रहा है। तो इसका डिफरेंशियल को ही खोल के देखना होगा। तो इसका डिफरेंशियल गियर बॉक्स में प्रॉब्लम है या एक्सेल में प्रॉब्लम है, वही चेक करेंगे पहले। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वाला गाड़ी का चक्का खोलने के लिए 32 का गोटी चाहिए। तो ज़्यादातर ई रिक्शा में 30 ही लगता है, लेकिन इसमें 32 नंबर गोटी लगेगा, गोटी से ही ये खुलेगा। तो देखिए, इसमें जो आप ड्रम देख रहे हो, ये 180 mm का ड्रम है। इसमें बड़ा ब्रेक शू लगता है। चलो दाओ फ्रेंड्स, देखिए इसका मोटर भी खोल लिया और इसका मोटर में भी कैसा साउंड नहीं है। तो ये भी कंफर्म हो गया, इसका मोटर में प्रॉब्लम नहीं है, मोटर बेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अभी डिफरेंशियल को खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो डिफरेंशियल खोलने के लिए यहाँ पे पहले एक्सेल को खोल लेना होगा। तो एक्सेल खोलने के लिए देखिए, मेरे पास ये वाला एक्सेल पुलर है, ये जुगाड़ से किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका एक्सेल का जो दांत है, दांत भी सही है, पूरा प्रॉब्लम नहीं है दांत में। फ्रेंड, इसका जो गियर बॉक्स है ये थोड़ा अलग किस्म का है। तो पहले चलिए खोल के देखते हैं इसका अंदर क्या है, अंदर में क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, हालत क्या है इसका, ये अंदर से पूरा ख़राब हो गया था। इसका अंदर जो बियरिंग रहता है, बियरिंग पूरा ख़राब हो गया है, टूट गया था अंदर से। और मेन ख़राब होने के कारण था, इसके अंदर कोई गियर ऑयल नहीं था, जिसके कारण ही ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। फ्रेंड्स देखिए, इसका अंदर जो बियरिंग का बॉल रहता है, बॉल भी नहीं है और कॉलर भी बाहर आ गया। और जो मंदिर का जो दांत है, दांत भी साइड से घिस गया है पूरा। और इसका कोई भी बियरिंग सही नहीं है। देखिए, इसमें जो मोटर का शाफ्ट का जो जगह है, ये भी खराब हो गया है। तो देखिए, कोई भी बियरिंग ठीक नहीं, सब हालत खराब है। इसका अंदर पूरा ड्राई है अंदर। तो फ्रेंड्स देखिए, गियर बॉक्स के अंदर अगर गियर ऑयल नहीं रहेगा तो ही ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप लोग ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना होगा कि गियर बॉक्स में 3 महीना 2.5 महीना अंतर अंतर गियर ऑयल को चेंज करना होगा, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, इसका जो डूडल गियर है, डूडल गियर का दांत में साइड से हल्का सा दाग भी हो गया है। और फ्रेंड, ये वाला गाड़ी का ये जो डूडल गियर है, ये
नॉर्मल ई रिक्शा का जो गियर रहता है गियर से थोड़ा बड़ा है, तो अभी मेरे पास ये वाला माल भी नहीं है, अवेलेबल भी नहीं है, तो इसलिए अभी ये वाला माल को ही फिटिंग करेंगे। इसमें जो जो बियरिंग खराब हो गया था सब बियरिंग को ही चेंज करेंगे। करने के बाद अभी ये गाड़ी को चलाना होगा, क्योंकि अभी तो माल तो अवेलेबल मार्केट में हुआ नहीं है, तो अभी इसमें ज़्यादा साउंड नहीं आएगा, साउंड होगा फिर भी कम होगा, तो यही अभी चलाना होगा। तो इसका जो गाड़ी का जो ऑनर है, ऑनर को हम बोल दिया कि जब माल अवेलेबल होगा तब इसको पूरा आपको चेंज करना होगा। तो देखिए ये फ्रेंड्स, ये वाला जो जगह है एक देखने वाला जगह है, ये नॉर्मल डिफरेंशियल से थोड़ा अलग जगह है। इसका जो मोटर का शाफ्ट होता है, मोटर का शाफ्ट का जगह पूरा अंदर तक है, और इसमें जो बियरिंग लगता है ये भी आपका 6203 का बियरिंग है, 6203। तो ये वाला वियरिंग को पहले इसके अंदर लगाएंगे, उसके बाद इसको सेटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, मोटर शाफ्ट का ये वाला जो बियरिंग है, आपको ऐसा करके 16 नंबर सॉकेट लेके उसके बाद आपका हथौड़ा मारना होगा, तभी ये जाके अंदर तक जाएगा। फ्रेंड्स, ये वाला जो बियरिंग है, बियरिंग को लगाते टाइम आपको ध्यान से ही लगाना होगा, ताकि ज़्यादा अंदर तक चोट ना जाए, तो बियरिंग ख़राब होने का चांस रहता है। और फ्रेंड्स, मंदिर के अंदर पूरा ड्राई था, इसलिए इसके अंदर ग्रीस डाल देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें 6662-01 सब बियरिंग ही चेंज हुआ है, और इसमें पैकिंग भी मार्केट में, इसका जो पैकिंग होता है पैकिंग भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसमें अभी जो रेजीबॉन्ड आटा है रेजीबॉन्ड से इसको पैक करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो काम हो रहा है ये पूरा 100% ओके काम होगा नहीं, कारण यही है कि इसका जो मंदिर का जो दांत है, दांत तो खराब हो गया था, दांत में प्रॉब्लम आ गया, लेकिन मार्केट में ये माल नहीं होने के कारण ही इसको हम लगाए नहीं, अगर माल होता तो ये सब भी चेंज होता। और फ्रेंड्स, इस गाड़ी में जो पहले आवाज़ हो रहा था वैसा आवाज़ तो होगा नहीं, और क्योंकि ये सभी बियरिंग चेंज हो रहा है तो प्रॉब्लम रहेगा, हल्का साउंड रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी गियर बॉक्स को पूरा सेटिंग करके लगा देंगे, और इसका और एक वीडियो आएगा जब इसका मंदिर और डिफेंड जो डूडल गियर है, डूडल गियर जब चेंज होगा तब और एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।